अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे हम अपडेट करने जा रहे हैं वो है कोरोना वायरस। लास्ट टाइम जब हमने इस मौजू पे बात की थी तो उस टाइम तक पाकिस्तान में इस वायरस के मौजूदगी नहीं पता लगी थी, लेकिन इस बार जो है ये वायरस के कन्फर्म्ड केसेस एक कराची में और एक इस्लामाबाद में आ चुका है और इट्स प्रिटी मच हियर जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब ये चाइना से वायरस निकलना फैलना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से दुनिया के दूर दूर के ममालिक में ये चला गया। पहली जो बहुत अहम बात है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लॉजिकली हमने हैंडल करना है और अपनी सफाई का ख्याल रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस तरह की वायरस में जो होता है वो ये कि ये नज़ला ज़ुकाम की तरह फैलती है और इसमें आपने हाथों की जो हाइजीन है, हैंड हाइजीन, उसका बहुत ख्याल रखना है। स्पेशली वो लोग जो बीमार लोगों की टेक केयर कर रहे हों, वो बेशक उनके घर में हों या कोई हस्पतालों में वो काम करते हों। हैंड हाइजीन का मतलब ये है कि आप फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ जो है वो साफ़ करते रहें, और हाथों की सफाई में नाखूनों की सफाई जो है वो भी अहम है, और ये जो उंगलियों के बीच का एरिया है इसको साफ़ करना भी अहम है। आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे WHO के रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स भी मैसर आ जाएंगी। अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। इसी तरह से दूसरी जो अहम चीज़ है वो है रेस्पिरेटरी हाइजीन और मास्क का इस्तेमाल। ये एक ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि मास्क किसको पहनना चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों को एक्टिवली खांसी या सांस के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मास्क पहनना चाहिए ताकि उनके जो भी जरासीम हैं वो और लोगों तक ट्रांसफ़र ना हो। दूसरा ये चीज़ के जो लोग बीमार लोगों के साथ इन कांटेक्ट आ रहे हैं, जो हस्पतालों में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं हमारे, उन सबको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और ताकि उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है और लोगों की सेहत कायम रखने के लिए, तो उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हों उनको जनरली अवॉइड करें, और ख़ास तौर पे जिन लोगों में सांस के मसाइल पैदा हुए हैं, वो और वजूहात के साथ भी सांस के मसाइल हो सकते हैं, जिनमें पैदा हुए हैं उनका इखलाकी फ़र्ज़ भी ये है कि वो और लोगों में इसके फैलाव से बचाएं, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे लोग इज्तमा के तौर पे इकट्ठे हुए हुए हों, वो फंक्शंस हो सकते हैं, वो क्रिकेट मैचेस हो सकते हैं, तो ऐसे बीमार लोग ऐसी जगहों पे ना जाएं। जिन लोगों को अलामात आ रही हैं जिनके अंदर खुश्क खांसी, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द, जिस्म में दर्द और आँखों की अलामात इसके साथ जैसे कि रेड आइज़ हो जाना, तो जिनको ये अलामात आ रही हैं उनको चाहिए कि अपने मौलिज से जल्द अज जल्द मुआयना करवाएं, और उनको ये भी चाहिए कि जब वो खांसी के साथ किसी इलाजगाह पे जाते हैं तो वो अपना मुंह कवर करा लें। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको ये चाहिए कि जिनको सांस के मसाइल हैं उन लोगों के लिए अलग वेटिंग एरियाज़ हों बनिस्बत उनके जो बाकी अमराज के साथ आए हैं। और जैसे जैसे ये पैंडेमिक आगे बढ़ता जा रहा है हमारी मालूमात में भी इजाफा होता जा रहा है और हमें इससे लड़ने के बारे में नई मालूमात मिलती जा रही है। तो अगली अपडेट तक के लिए थैंक यू।